क्रमशः पूर्व व्याख्यान से ही जुड़ा हुआ प्रसंग। इसके अंतर्गत हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विकासात्मक रूप पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अनेक अनेक प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा का विकास, स्वरूप, विशेषता आदि से संबंधित परीक्षा में आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो भाषागत विशेषताओं में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, जिसके संबंध में डॉक्टर हार्नले, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा अपने अपने अनुसार अलग अलग वर्गीकरण किया गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत क्षेत्रानुसार कई भाषाओं को समाहित किया जाता है, जिसका वर्गीकरण वर्णित विद्वानों द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग ढंग से किया गया। हम डॉक्टर ग्रियर्सन के आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण को देखें तो बहिरंग और अंतरंग के आधार पर उन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर हार्नले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को चार भागों में विभक्त करती हैं, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। इसके अंतर्गत आधुनिक आर्य भाषा को समाहित कर लेती हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन अंतरंग और बहिरंग के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, बाहरी उपशाखा, मध्यवर्गी और भीतरी आंतरिक उपशाखाओं के रूप में विभक्त करते हैं। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत पश्चिमोत्तर संवाद समुदाय की भाषा को लेते हैं, लहंदा, सिंधी, मराठी, उड़िया, असमी, बंगाली, बिहारी आदि को लेते हैं। पश्चिमोत्तर समुदाय के अंतर्गत लहदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी, पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बंगाली, आसामी और बिहारी भाषा को लेते हैं। ये बाहरी आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विभाजन करते हैं। मध्यम वर्गीय उपभाषा उपशाखा को लेते हैं, जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय की पूर्वी भाषाओं को लेते हैं। भीतरी समुदाय, जिसे केंद्रीय समुदाय के रूप में जाना जाता है, इसे भी दो भागों में विभाजित कर देते हैं, केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली और खानादेशी को लेते हैं। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी विभाजन करके रखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने एक नया वर्गीकरण रखा, मध्यदेशी पश्चिमी हिंदी और अंतरदेशी, जिसे अंतर्वर्ती भी कहते, पश्चिमी हिंदी से, जिसे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। फिर ये बहिरंग से संबंध रखने वाली पूर्वी हिंदी, बहिरंग भाषाएं पश्चिमोत्तर, लहंदा सिंधी, दक्षिणी मराठी, बिहारी, उड़िया, बंगाली और आसामी, ये पूर्वी के अंतर्गत। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा किया गया वर्गीकरण मुख्यतः तीन बातों को आधार लेकर के चला। एक तो ध्वनिगत, दूसरे व्याकरणगत और तीसरे शब्द समूहगत। जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार के वर्ग विशेष द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ध्वनि समूहों का व्याकरणिक शुद्धता का
को केंद्र में रख करके इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण डॉक्टर चटर्जी ने किया वही अधिक उपयुक्त है। वर्गीकरण तो ग्रियर्सन ने किया, हार्नले ने किया, चटर्जी ने किया, लेकिन इन सब दृष्टियों से डॉक्टर चटर्जी के द्वारा किया गया वर्गीकरण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी वर्गीकरण को सही मानने के लिए या सही आधार मानने के लिए उसमें आए हुई सभी भाषाओं की विशेषताएं पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। इसको ध्यान में रख करके डॉक्टर चटर्जी ने ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अतः डॉक्टर चटर्जी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त वर्गीकरणों में सर्वाधिक विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया और यही वर्गीकरण मूलतः सही और व्याकरणिक दृष्टि से, विशेषतागत दृष्टि से सत्य माना जाता है। यह रहा भाषागत वर्गी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। अब हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत क्रमानुसार एक एक भाषाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, बोली, उपबोली, खड़ी बोली, पहाड़ी भाषा, इन सब पर हम क्रमानुसार अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।